विथ डॉलर बिकॉज डॉलर इज द सुप्रीम करेंसी, ठीक है यहाँ पे हम डॉलर को सुप्रीम करेंसी क्यों बोलते हैं क्या हुआ था जितने भी सारे गोल्ड रिजर्व्स होते थे अर्थव्यवस्था एक कंट्री की अर्थव्यवस्था या फिर आप कह सकते हैं जो इकोनॉमी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे ठीक है इकोनॉमी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना स्ट्रॉन्गली यहाँ पे ट्रेड होता है ठीक है यूएसए का इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दे आर ऑफ द मेन गोल्ड गोल्ड उनके पास सबसे ज्यादा हाई लेवल पे है, उसके थ्रू से वो इम्पोर्ट भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इसलिए यहाँ पे जो गोल्ड की डीलिंग होती है ठीक है जो अदल बदल होता है जो आदान प्रदान होता है ठीक है डिमांड एंड सप्लाई का जो फ्लक्चुएशन होता है वो गोल्ड को हम यूएसडी के बेसिस पे हम नापते तोलते हैं मान लीजिए अगर यूएसडी पे कहीं रेट गया तो वहां पे हो सकता है गोल्ड का कम हो जाए मान लीजिए कहीं गोल्ड का रेट बढ़ गया ठीक है तो हो सकता है यूएसडी का रेट कम हो जाए ऑपोजिट है यहाँ पे कुछ पेयर्स ऑपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के और कुछ पेयर्स एक दूसरे के फेवर में काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी है जीवीपी यूएसडी है ठीक है ऑड यूएसडी है कुछ करेंसीज हैं सुप्रीम करेंसीज हैं जिनको हम एक्टिवली ट्रेड करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में ठीक है अब ट्रेडिंग क्या होती है ट्रेडिंग का मतलब आप कह सकते हैं व्यापार होता है ठीक है किसी चीज को खरीदना और किसी चीज को बेचना ठीक है वो आप सभी करते हैं वी ऑल आर डूइंग ट्रेडिंग ऑन द डेली बेसिस हम कुछ चीज खरीदते हैं कुछ चीज बेचते हैं ठीक है उसको नॉर्मल वे में या फिर बहुत एक सिंपल अगर मैं वे में बोलू तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं ठीक है इनिशियली यहाँ पे हम क्या करते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताइए करेंसी मार्केट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ट्रेड हम करेंसी ट्रेड करेंगे ठीक है कहीं कहीं पे हम मेटल भी ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट में जैसे आप लोग मेटल ट्रेड करते हैं किसी किसी जगह आप लोग शेयर खरीद के रख देते हैं फिर उसको टाइम आने पर बेच देते हैं सेल आउट कर देते हैं है ना अभी देख लीजिए कोई कोई को, को, क्रिप्टो पे भी ट्रेड कर रहा है क्या कर रहा है बिटकॉइन का रेट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली कितना आई थिंक सिक्सटीज के उसमें चल रहा है या फिर सेवेंटीज के उसमें चल रहा है ठीक है तो कुछ लोगों ने मान लीजिए किसी ने बिटकॉइन अभी खरीद लिया टाइम आने पर वो उसको बेच देगा ठीक है या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है तो ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड ट्रेडिंग इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं ठीक है करेंसी मार्केट हम एक्चुअली यहाँ पे क्या काम करते हैं हम ट्रेड करते हैं किस चीज की करेंसीज की भी ट्रेडिंग होती है क्रिप्टोज की भी ट्रेडिंग होती है मेटल्स की भी ट्रेडिंग होती है और हम वीट ग्राम बार्ले ये ऑन ओवर पे जो वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं हम सिर्फ उनकी ट्रेडिंग करते हैं बिकॉज ये फॉरेन मार्केट है इसलिए हम इसको फोर एक्स मार्केट एफ एक्स मार्केट बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एफ एक्स है ठीक है बट ये जो इसका प्रॉपर फिनोमिना है प्रॉपर जो इसका वर्ड है टर्मिनोलॉजी है वो है करेंसी मार्केट ठीक है तो यस दीज ऑल आर द कैंडल स्टिक्स ठीक है कुछ कैंडल स्टिक्स बाई शो करती है कुछ कैंडल स्टिक्स सेल शो करती है अब उस कैंडल स्टिक्स को सही प्रिडिक्शन देना सही एनालाइज करना ठीक है तभी हमको इसी कैंडल्स के बेसिस पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है आपको लॉस भी हो सकता है डिपेंड करता है कि आपने मार्केट में क्या देखा आज ठीक है फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यूरो यूएसडी का ये डेली का चार्ट है यूरो के अगेंस्ट में हम किसको कंपेयर कर रहे हैं यूएसडी ठीक है I don't think so, कि मेरे को पीपीटी ओपन करने की जरूरत होगी यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट में ही और ये लाइव चार्ट है ठीक है डेमो अकाउंट है बट लाइव चार्ट है आप लोग अपना एम का सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं ठीक है जो जो आई थिंक प्रिपेयर करके या फिर फोन पे भी आप लोग ओपन करके देख सकते हैं ठीक है डेली का चार्ट ओपन करेंगे और यूरो यूएसडी देखेंगे टॉप पे ये शो होता है और अगर नहीं है डेस्कटॉप पे क्या करना है आपको यहाँ पे क्लिक टू ऐड करना है कोई भी करेंसी देखनी हो यूरो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो मेरे पास यूरो यूएसडी ऑलरेडी ठीक है मेरे को चाहिए यूरो वर्सेज ऑर्ड यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज आ गई है ठीक है देख लिया आपने मैंने जैसे ही यूरो टाइप किया कम से कम भी नहीं तो बीस या फिर तीस पचास सौ से ज्यादा यूरो के करेंसीज आ गए हैं जिनको हम एक दूसरे के बिहाफ पे हम कंपेयर करते हैं ठीक है ओके okay. सो so यहाँ पे क्या है वी हैव टू इनिशियली वॉट वी हैव टू डू यहाँ पे अभी मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया था अभी राइट नाउम ओपनिंग द यूरो चार्ट ठीक है बट इनिशियली जैसे कि मैंने यूरो को, जैसे ही मैंने टाइप किया यूरोड यूरो आ गया यूरो सी एच एफ आ गया यूरो हांगकांग का यूरो को कितने सारे करेंसीज के साथ हमने कंपेयर किया है यूरो को हमने क्यों कंपेयर किया बिकॉज यूरो इज द करेंसी ठीक है बेस करेंसी का मतलब क्या है सुप्रीम करेंसी है ठीक है करेंसी में जो पहले आगे होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीवीपी है तो दिस इज द सुप्रीम करेंसी ठीक है अगर डिमांड एंड सप्लाई का कोई इंपैक्ट आया सबसे पहले जीवीपी पे आएगा उसके बाद यूएसडी पे आएगा ठीक है तो दिस इज द बेस करेंसी दिस इज द क्वेट करेंसी और आप कह सकते हैं टर्म करेंसी ठीक है पहले बेस करेंसी पे इम्पैक्ट आता है उसके बाद बेस करेंसी का इम्पैक्ट किस पे आता है टर्म करेंसी पे ठीक है ये थोड़ा सिस्टमेटिक है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसके आइडियोलॉजी को ठीक है तो सबसे पहले हम कहाँ पे थे कि सिंबल में हैं ठीक है सिंबल पे आपको क्या करना है यूरो यूएसडी आप लोगों को टाइप करना है मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक में दिखा रही यूरो यूएसडी मेरे यहाँ पे चार्ट में ऑलरेडी है तो मैंने यहाँ पे ओपन हाँ हो जाएगा ठीक है आप लोग यूरोड का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं ठीक है थीके? मैं सेशन रिकॉर्ड कर लेती हूँ डोंट वरी प्लीज आप लोग रिकॉर्ड मत कीजिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस ओके सो राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू और ये बहुत काम में आने वाले आप लोगों के बिकॉज ये मैं एम फाइव का वर्जन बता रही हूँ यूज करना है आप लोगों को बहुत लोगों को इश्यूज आते हैं तो हमारा स्टार्टिंग है यहाँ से होगा कि एम को कैसे यूज कर रहे हैं आप लोगों को ठीक है सो द बेसिक थिंग इज यूरो को यूरोक करके लेकर आई सेम बट मेरे को अभी सिर्फ दिखाना था तो अभी मेन मेरा कंसर्न है यूरो यूएसडी को लेकर ठीक है बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट करेंसी ठीक है यूरो आप जानते ही होंगे जो जो इकोनॉमी के फील्ड में है या फिर जो फाइनेंस के फील्ड में है वो जानते हैं यूरो एंड यूएसडी इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड क्यों क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है दे आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इसलिए इनको लार्जली ट्रेड किया जाता है डेली बेसिस पे कम से कम भी नहीं तो इनको थ्री से लेकर टू ट्रिलियन डॉलर ट्रेड होता है इस करेंसी पे ठीक है सो so इनिशियली जो कि ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रेडेड करेंसी है तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे ठीक है अब क्या देखना है देखिए यहाँ पे क्या है आपको लास्ट के चार डिजिट्स देखना है ठीक है यहाँ का क्या है डिजिट्स ठीक है और हर एक करेंसी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल बाय का जो ऑप्शन है इसपे श्रो तो कर रहा है जैसे कि अभी यूएसडी तो का रेट वन पॉइंट जीरो सेवन फोर जीरो क्या बोला था पिप्स क्या होते हैं ठीक है थीके? पिप्स का मतलब कि कि मान नंबर में ये कितना बढ़ा, कितना घटा ठीक है तो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको कैसे डिसाइड करेंगे कितने पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया कितने पॉइंट का लॉस हो गया ठीक है तो हमको चलेगा ठीक है मान लीजिए ये फोर्टी है ठीक है चाहिए कि फोर्टी वन ठीक है फोर्टी वन चला जाए उसमें आपका हो सकता है कि एक पिप का प्रॉफिट हो गया ठीक है जिन्होंने स्टैंडर्ड लॉट ले रखा है या फिर जिन्होंने जीरो पॉइंट टू ले रखा है बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉफिट होता है ठीक है तो फोर्टी से नाइन आ गया ठीक है फोर्टी पे चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है थीके? अभी थर्टी नाइन पे आ गया तो मतलब एक पॉइंट की फॉलिंग आ गई ठीक है एक पॉइंट की फॉलिंग आने के बाद हम क्या डिसाइड कर सकते हैं इनिशियल यूरो यूएसडी का जो पोटेंशियल है ये मैं नॉर्मल बता रही हूं आप लोगों को वो कौन से डाउनवर्ड साइड गया तो यहां पे ना मिनट्स के बेसिस पे यहां पे मूवमेंट होती थी है ठीक है तो ये बेसिकली डेली का चार्ट है इसलिए आप लोगों को इतना पता नहीं चल रहा है मैं अगर शॉर्ट चार्ट टाइम फ्रेम ओपन करूंगी आपको टाइम फ्रेम कहाँ से मिलेगा ठीक है टाइम फ्रेम के लिए जाना है आप टाइम फ्रेम से डेली चार्ट ओनली फॉर हाँ ट्रेड लेने यूज नहीं करते हैं ये सबसे पहला जो मैं आपको लेसन दे रही हूँ दिस इज ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन कभी भी ट्रेड करें या फिर कर रहा है। इस डेली ट्रेड मत कीजिएगा छोटे फ्रेम में देखने की कोशिश कीजिए ठीक है इतना भी नहीं एक मिनट हम इसको नॉर्मल हो सकता है एक घंटे पे देख सकते हैं एक घंटे घंटे पे कैंडल रेंज और होगी ठीक है मैं इसको छोटा कर थोड़ा सा आपको आई थिंक अब देख रहा जस्ट अ सेकेंड ये देखिए देखा आपको अभी न्यूज आई थी मार्केट में और फंडामेंटली भी मार्केट काफी ज़्यादा आउट हुआ। ये देखिए कितनी बड़ी लार्ज कैंडल स्टिक बनी रेड कलर की तो मतलब मार्केट का मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में है डाउन डायरेक्शन में डाउन का मतलब क्या है सेल यहाँ पे दो चीज बताई थी बाय होता है या सेल होता है मैं सिर्फ यूरो का चार्ट बनाया ठीक है उसके बेसिस पे सेम है सब कुछ ठीक है ये टेक्नोलॉजी जो हम आपको स्टडीज में दे रहे हैं ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है ठीक जो टेक्निकल्स हैं ये टेक्निकल पार्ट है ये आप इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हैं क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हैं बट क्रिप्टो में प्लीज आप लोग ध्यान से ट्रेड कीजिएगा ठीक है अकाउंट उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अभी आप बीटीसी पे मत ट्रेड कीजिएगा जिनका इनफैक्ट एक लाख डॉलर दो लाख डॉलर तीन लाख डॉलर पांच दस लाख डॉलर तक है सिर्फ बी डोंट टेक रिस्क ठीक है आप स्मॉल क्वाइंस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ हो सकता है मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मेट्रिक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं पेपे पे इन्वेस्ट कर सकते हैं मांटा कुछ ऐसे कॉइन्स है जिनको क्वाइंस के बारे में पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है थीके? हम क्वाइंस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं ठीक है जिनको कॉइन्स पे जनरली इन्वेस्ट करना है कोई चाहता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट हो क्रिप्टो इज अ वेरी गुड फील्ड आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बीटीसी पे भी स्मॉल अमाउंट लगा सकते हैं जिनका अकाउंट बड़ा होगा ठीक है अभी वो बात की बात है अभी हम आते हैं यूरो यूएसडी पे तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा और छोटा करती हूँ तो आप देखिए मार्केट का डायरेक्शन कौन से साइड पे डाउनवर्ड साइड पे है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिसाइड क्या करना है वन आर के बेसिस पे कि आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है ऑलवेज फर्स्ट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए यूरो यूएसडी अभी डाउन साइड में है ठीक है मतलब द the... ट्रेंड ठीक है डाउनवर्ड मतलब सेलर्स का यहाँ पे फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स ठीक है तो डोंट गो फॉर बाय यहाँ पे लोग ट्रैप कहाँ होते हैं लॉस कहाँ पे होता है आपका जब आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ट्रेड करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ट्रेड करेंगे करेंसी मार्केट में या किसी भी मार्केट में तो लॉस होना इज लाइक वेरी मिनिमल वेरी लाइक ऑब्वियस है वो कि आपको लॉस होगा ही होगा ठीक है डोंट गो अगेंस्ट द ट्रेंड डायरेक्शन के बियॉन्ड पे जाके हमको ट्रेड कभी भी नहीं करना है बहुत लोग कहते हैं कि हमने मार्केट को सही देखकर ट्रेड किया था सही देखकर कैसे ट्रेड किया था डायरेक्शन देखी थी मार्केट की नहीं देखी थी हमने हमने मार्केट के हो सकता है किसी और ने आपको सिग्नल दे दिया कहीं और से आपने देख लिया डोंट एवर बिलीव ऑन सच काइंड ऑफ सिग्नल्स एंड कॉल्स ठीक है सबसे पहली बात आप अपनी टेक्नोलॉजी अपनी आइडियोलॉजी सेट कीजिए ठीक है फंडामेंटल जो है एक स्ट्रेटेजी सेट कीजिए ठीक है मार्केट में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं ठीक है मार्केट में बहुत सारे आ, आप कह सकते हैं फ्रॉड्स भी होते हैं ठीक है पिप्स एंड जो वो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी हम ब्रीफ में एम फाइव के बारे में ही सीखेंगे बिकॉज दे आर एज अ बेसिक ट्रेडर आल्सो जिनको एम फाइव ऑपरेट करना नहीं आता है तो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप एकदम से नहीं जा सकती हूँ उस पर ठीक है पहला आप इसको समझिए के बाद हम हर एक चीज ब्रीफ में करेंगे डोंट वरी अबाउट दैट बहुत इट्स लाइक अ डेप्थ ऑफ द सी जितना करें उतना कम है यहाँ पे ठीक है सो इनिशियली वट वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज टोटली ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है के बेसिस पे ही ट्रेड लेना अभी मार्केट डाउनवर्ड साइड आई है ठीक है और मैं अगर इसको छोटा करके दिखाऊं तो दे... लास्ट रेंज कहाँ तक है यहाँ तक है तो हो सकता है मार्केट का जो पैटर्न मार्केट कर रहा ये का हो ये एंटर हुआ हो ठीक है आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड अपना खत्म किया ये जो टॉप है और यहाँ से मार्केट गिरता ही गया गिरता ही गया विज मेकिंग ऑफ कंट्रीज यहाँ पे क्या कहते हैं हायर हायर हमारे यहाँ पे करेंसी मार्केट में कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने ठीक है विच इज कॉल्ड एज हाई हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको मार्केट में सेट करके चलना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक है ये सब यहाँ पे मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहले यहाँ से मार्केट चढ़ा था एक ठीक है अब देखिए यहाँ से मार्केट को एक बार पॉजिटिव बाउंस मिला था तो मार्केट में एक हल्की फुल्की सी फ्लक्चुएशन आई थी इस वाले साइड की बात कर रही मेरा एरो देखिए पे पे वहां वहां पे नजर होनी चाहिए आप लोगों की ठीक है ये देखिए व्हाइट कलर का एरो ये घूम रहा है इसको देखिए यहां से मार्केट ने एक हल्का सा ऊपर के साइड बाउंस मारा था ठीक है बट इनिशियली ट्रेंड उस टाइम पॉजिटिव था तो मार्केट चढ़ गया अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा होगा ये देखिए ये सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ माइट बी इट विल बी क्रिएट ठीक है तो जो मेन हाईज है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है पहला दूसरा तीसरा ठीक है एंड नाउ द मार्केट इज अगेन फॉलोइंग ठीक है तो अभी जो भी यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहे हैं प्लीज डोंट गो फॉर द बाई साइड बाई साइड इज वेरी लाइक हार्मुल हो सकता है आप लोगों का अकाउंट उड़ जाए ठीक है बाई साइड आएगा बट अभी नहीं हो सकता ये पूरा पैटर्न कंप्लीट करे यहाँ तक का रेंज का ठीक है आई थिंक सेवन वन टू फाइव से नीचे तक का रेंज कंप्लीट करने के बाद इसमें कोई बाउंस है बिकॉज आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं पूरा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है ठीक है मार्केट इज क्रिएटिंग अ सच काइंड ऑफ पैटर्न मार्केट की कुछ यहाँ पे आइडियोलॉजीज हैं कुछ प्रिंसिपल्स आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ठीक है अभी हम सिर्फ एम्टी फाइव के बारे में मैं आपको सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ हल्का सा चार्ट का भी ओवरव्यू दे रही हूँ बट द मेन थिंग इज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मेन टेक्निकल कैंडलस्टिक्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करना चाहूंगी कुछ कैरेटरिस्टिक्स डिस्कस करना चाहूंगी उसके बाद ही हम मार्केट में जम्प ऑन करेंगे ठीक है उसके बाद उस बट उससे पहले मैं आपको छोटे छोटे ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहूंगी ठीक है और आई एम ट्राइंग टू गिव यू कॉल्स ऑल्सो देखिए मेन चीज है वेन द रोबो इज ट्रेडिंग यू इट्स राइट ठीक है बट इनिशियली रोबोट को भी देखने के लिए आपके पास चलाने के लिए दिमाग होना चाहिए ठीक है रोबोट क्या ट्रेड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप लोग नहीं देखेंगे ठीक है मेनी ऑफ लाइक ऑफ ट्रेडर्स रोबोट को भी ह्यूमन बींग्स नहीं बनाया है तो बींग दैट काइंड ऑफ पार्ट इज नॉट अ इमोशनल डिसीजन मेकर वो इमोशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास होता है राइट रोमोट के पास कोई इमोशंस नहीं है बट द मार्केट इज फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ इमोशंस ठीक है आपने अगर पैसे जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें आपका इमोशंस कनेक्ट नहीं होगा अगर कोई डेमो अकाउंट पे देख रहा है विदाउट इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता भी नहीं है कि वो एक बार भी मार्केट के इस चार्ट को मेरे सेशन के बाद ओपन करके देखेगा बट but... If you have आपने अगर दस हजार रुपए भी आपने इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे भी यहां तक लगता है कि आप दिन में पांच बार इस चार्ट को खोल के देखोगे कि हाँ मेरे ट्रेड की सिचुएशन क्या है राइट right? तो द रोबोट इज ऑल्सो मेड बाय द ह्यूमन बींग्स तो इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि रोबोट कब कहाँ पे क्या ट्रेड ले रहा है मार्केट के क्या सेंटिमेंट्स है क्या स्टेटमेंट है बिकॉज अब गोल्ड को देख लीजिए बहुत सारे रोबोट उस टाइम फेल भी हुए थे क्या

मान लीजिए यूरो यूएसडी है और मेरे को यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन चाहिए आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के अलावा अगर आपको पेंडिंग ऑर्डर करना है तो भी आप कर सकते हैं बाय 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 लिमिट 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 सेल लिमिट, सेल स्टॉप स्टॉप एवरीथिंग इज देयर हम कब करते हैं मान लीजिए थर्टी सेवन पे चल रहा है अभी मुझे चाहिए कि ये फोर्टी पे जाके या फिर थर्टी पे जाके बाय एग्जीक्यूट हो ठीक है थर्टी सेवन चल रहा है ना अभी यूरो का तो मैं चाहती हूँ तीस पे जाके बाय एग्जीक्यूट हो तो मैं यहाँ पे बाय लिमिट लगा के मैं यहाँ पे प्राइस डाल दूंगी थर्टी का एंड गो फॉर द प्लेस ऑर्डर ठीक है बट अभी मेरे को इंस्टेंट एग्जीक्यूशन चाहिए ठीक है ऑल दो दिस इज अ डेमो अकाउंट मेरे को वॉल्यूम चाहिए जीरो पॉइंट जीरो टू का ठीक है एंड टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी आप डाल सकते हैं ठीक है थीके? मुझे अभी सेल करना है तो मैंने सेल आप यहाँ पे सिंबल ढूंढ सकते हैं यूरो यूएसडी एनी ठीक है मेन आपको ऑटोमेटिकली टॉप पे मिल जाएगा आई एम डूइंग द सेल ये देखिए इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो गया ओके गए ये देखिए सेल एग्जीक्यूट हो गया मेरा और देखिए यहाँ पे भी सेल यूरो यूएसडी का दिख रहा है आप सबको मार्जिन लेवल एवरीथिंग इज गिवन राइट सो दिस इज हाउ यू कैन एग्जीक्यूट योर ऑर्डर इन द डेस्कटॉप वर्जन ऑल्सो तो मेरे को कोई दूसरा चार्ट देखना है ठीक है मान लीजिए मेरे को ये वाला चार्ट नहीं देखना है एंड uh, तो मैं यहाँ पे अगेन आई विल टाइप फॉर को जी जेपीवाई देखना है जेपीवाई मैं किसको किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ पाउंड को पाउंड को येन के साथ ठीक है पाउंड को येन मतलब जैपनीज येन के साथ तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया एंड ये आ गया ठीक है अब मैं इसको ड्रैग करूंगी <laughs> ये देखिए मेरे जीवी जेपी वाई का चार्ट आ गया इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ जाए ताकि ये देखिए ये भी फॉल हो रहा है क्यों क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ये वाला जो रेंज है इसका ठीक है इनिशियली ये वाला जो रेंज है यहां से मार्केट पर्टिकुलरली पहले भी चढ़ा था ये देखिए पहले भी मार्केट को एक फोर्स मिला था मार्केट ने एक रेंज बनाया बट फॉलिंग तो अगेन ऑन द फॉलिंग साइड जेपी जेपी वाई सेम अभी देखिए यूरो मेरा कितने डॉलर प्रॉफिट में आ रहा है टू पॉइंट एट जीरो के जीरो पॉइंट का मिनिमल बिकॉज मैंने जीरो नॉर्मल साइज लॉट साइज लिया है ठीक है तो दिस इज हाउ द मार्केट विल वर्क ठीक है जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनको पता है ठीक है बट डेस्कटॉप मच बेटर वर्जन पे प्रॉपर्टी है विद एवरीथिंग ठीक है है आपको देखना है, चार्ट देखना है देख सकते हैं। किसी को बार चार्ट देखना है देखिए बार चार्ट से ज्यादा अभी कैंडल स्टिक्स चल रहे हैं यहाँ पे देखिए इज ऑलरेडी देयर ठीक है वॉल्यूम टिक्स ट्रेड ट्रेड हिस्ट्री अगर आपको देखनी है ट्रेड हिस्ट्री आप तो ये न्यू अकाउंट है तो ट्रेड हिस्ट्री आपकी आ जाएगी सब कुछ यहाँ पे गिवन है वॉल्यूम 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 टिक टिक का मतलब होता है कि मार्केट में कितना वॉल्यूम चल रहा है नहीं चल रहा है ये इनिशियली अभी नीडेड नहीं है आप लोगों को क्यों नीडेड नहीं है बिकॉज दिस इज आर फो आर ऑल्सो इंडिकेटर ठीक है मार्केट में यहाँ पे इंडिकेटर भी यूज होता है इंडिकेटर का मतलब कैंडिक्स के साथ आप इंडिकेटर लगा के भी यूज कर सकते हैं थोड़े हमको हल्का-फुल्का सा एक ओवरव्यू मिल जाए कि जो हम ट्रेड डिसीजंस ले रहे हैं वो सपोर्ट कर रहा है यानी मार्केट ठीक है ये सेकेंडरी मेजर्स होते हैं बट द कैंडलस्टिक्स ये जो चार्ट है ये प्राइमरी मेजर्स है इसको सीखना ही पड़ेगा यस गोल्ड के ट्रेड ऑन दिस प्लेटफार्म है XAUUSD यहां पे गोल्ड नहीं लिखना है M5 है वो इंडियन रेट में यूज होता है आज आ यहाँ पे आपको इसके टर्मिनोलॉजी में ही डालना पड़ेगा एक्स ए यू यू इज द मैं इसको ड्रैग करके लाती हूँ देखियो गोल्ड का ये ओपन ठीक है तो so, इनिशियली ये देखिए गोल्ड अभी कितने पे चल रहा है टू टू थ्री नाइन पे चल रहा है ठीक है यहाँ से भी आप इसका टाइम फ्रेम कर सकते हैं मान लीजिए मेरे को ये देखना है पंद्रह मिनट का चार्ट में यहाँ पे चार्ट पे जाके क्लिक काउंट करूंगी सबसे पहले रिमेम्बर चार्ट पे जाके आप लोगों को टाइम फ्रेम मिलेगा मैं चाहती हूँ ग्रिड शो हो नहीं हो ठीक है बट ग्रेट वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर दस दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंपॉर्टेंट स्टडी है इम्पॉर्टेड टेक्निकल्स हैं इसका कहते हैं करेंसी uh, मार्केट का कुछ तो तो दिख, दिख रहा है सेल बार गोल्ड है कितने रेट पे चल रहा है ठीक है न्यू ऑर्डर

ठीक है वर्टिकल लाइन मेरे को कहीं पे वर्टिकल लाइन लगानी है मैंने यहाँ पे लाके मार्केट को छोड़ दिया ठीक है दीज ऑल मेरे को कहीं पे ट्रेंड uh, लाइन बनानी है ट्रेंड भी हम सीखेंगे तो यहाँ पे लाके मैंने मार्केट को छोड़ दिया ठीक है इसको रिमूव कर डबल क्लिक करेंगे इस पे ठीक है डिलीट ऑल सिलेक्टेड ठीक है डिलीट कर देंगे ठीक है मेरे को चाहिए कि मेरे को कोई स्क्वायर पैटर्न बाई एल बाई बनाना है बाई की मार्केट अब बाई जाएगा तो मैं यहाँ पे को रख के यहाँ पे ऑप्शन पे डाल दूंगी इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको रिमेंबर होना चाहिए ठीक है ये सब स्मॉल काइंड ऑफ थम है कहीं कहीं पे जगह पे इमोजीज भी होते हैं स्टॉप साइन की यहाँ पे मेरे को याद है कि मार्केट में यहाँ पे मेरे को स्टॉप यहाँ पे स्टॉप लगाना है ठीक है मार्केट को कि आप करके भेजना चाहते हैं तो ये भी आप हाँ कर सकते हो ठीक है आपको चाहिए कि यस आप आ, यहाँ पे लेबल लगाना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए आप लेवल भी लगा सकते हो इस लेवल पर आकर कहीं आप कुछ भी इसको प्लेस आउट कर सकते हो मुझे चाहिए कि आ, यहाँ पे टू 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 वन का लेवल है ये ठीक है मैं चाहती हूँ कि यहाँ से बाय हो जाए जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस ठीक है कि हाँ आपको याद ठीक है ये है एंड फिबुनाकी uh, भी है फिबुनाकी मैं अभी आपको नहीं बता सकती बिकॉज uh, ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है ठीक है एंड यहाँ पे न्यू ऑर्डर है ठीक है सब कुछ आपको दिख जाएगा देखिए आप लगा रहे हैं ठीक है बैलेंस आपका यहाँ पे शो होगा ये देख लीजिए मेन ट्रेड हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे है ठीक है ट्रेड आपका कैसे क्या चल रहा है वो यहाँ पे शो होगा ये ऑटोमेटिक शो हो जाता है जब आप डेस्कटॉप वर्जन ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगा ठीक है इंडिकेटर के पास से आपको इंडिकेटर मिल जाएगा ठीक है ओके okay. सो so, थोड़े इश्यूज आ गए थे सॉरी फॉर दैट ओके सो नेक्स्ट फाइल में जाके भी आप लोग न्यू चार्ट ओपन कर सकते हो एक साथ बहुत सारे चार्ट अगर देखने हैं ठीक है तो आप ये है अरेंज विंडोज एज नॉन ओवरलैपिंग टाइल्स करेंगे देखिए एक से यूडी का पंद्रह मिनट का एक घंटे का एक घंटे का जीवीपी एड यू एडी ठीक तो बहुत सारी चार्ट्स आ गए ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से इसको मैं क्रॉस आउट कर देती हूँ बिकॉज मेरे को एक भी चाहिए तो ये भी शो कर दिया मैंने टूल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं ये आप लोगों के काम की चीज नहीं है ठीक है सिर्फ इंडिकेटर है ठीक है ये देखिए इंडिकेटर्स यहाँ पे शो हो गए ऑब्जेक्ट्स ठीक है आप लोगों को ऑब्जेक्ट जैसे ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पे भी है वो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको शेप्स डाल रेक्टेंगल शेप रेक्टेंगल शेप मेरे को चाहिए फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल शेप खींचना है तो मैं क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल शेप खींच दूंगी मुझे डिलीट करना है मैं इसको डबल प्रेस करके मैं इसको डिलीट कर दूंगी सिलेक्ट और डिलीट ठीक है तो आ, ये है ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडे ठीक है गाइस